हेलो फ्रेंड्स, इट्स पद्मिनी गुप्ता। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि हम आपको राशि के बारे में बताएंगे, उनके रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे और वो रिजल्ट कहाँ से निकल के आए, कैसे निकल के आए, इस बारे में बताएंगे। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है एरीज मीन्स मेष। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी राशि का रिजल्ट कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ है उसका सिंबल साइन। तो एरीज के लिए जो साइन होता है वो होता है रैम। रैम एक टाइप की भेड़ होती है। दूसरी चीज़ होती है, एक वर्ड मैंने बताया था आपको, फ्यू। तो फ्यू वर्ड का पहला जो लेटर है वो है एफ, मीन्स फायर। तो चूंकि ये पहली राशि है तो इसके लिए वर्ड होगा फायर, मीन्स एफ। तीसरी चीज़ है MFD। अब MFD का पहला लेटर है M, मीन्स ये लोग किस टाइप के होते हैं, तो ये मूवेबल टाइप के होते हैं। और चौथी चीज़ थी ग्रह, किस प्लैनेट से ये एफिलिएटेड है। तो एरीज का जो प्लैनेट है वो है मार्स, मीन्स मंगल। दोस्तों, एक और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगी कि किसी भी राशि का जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ आध्यात्मिक तरीके से नहीं निकलता, उसके साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। और वो ये है कि जब बच्चा एक जन्म लेता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती कहाँ है, ये हमारे आसपास जो चीज़ें हैं सभी में होती हैं, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स में, वाटर में, एयर में, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करती हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो वेव्स हैं उसके आसपास कौन सी वेव है उसके रिजल्ट्स उस पर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए उसका इफ़ेक्ट उस बच्चे पर होता है और उसी से उसकी राशि होती है, और इसीलिए हर महीने की एक अलग राशि भी है। तो चलिए जानते हैं मेष के बारे में। मेष के जो लोग होते हैं उनकी शारीरिक बनावट, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसे होता है, यह इस बात पे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है कि उसका सिंबल क्या है। तो इसका सिंबल मैंने बताया रैम है। तो सोचिए पहले रैम किस तरह का होता है। तो जो रैम होता है वो मीडियम हाइट का होता है, मध्यम हाइट का, क्योंकि कोई भी जानवर ज़्यादा हाइट का तो होता नहीं है, फुल हाइट का तो होता नहीं है। तो इसलिए जिस भी राशि के आगे अगर सिंबल किसी जानवर का है तो उसकी हाइट मीडियम होगी, छोटे से मीडियम तक। लेकिन अगर सिंबल इंसान का है तो उसकी एवरेज से ज़्यादा हाइट होगी। तो रैम चूंकि एक जानवर है तो इसलिए इस राशि के लोगों की हाइट मीडियम होगी, और ना तो ये ज़्यादा मोटे होंगे और ना ज़्यादा पतले होंगे, लेकिन हाँ मांसल शरीर वाले ज़रूर होंगे। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर होगा, लेकिन लालिमा लिए हुए, रेडिशनेश लिए हुए। इनका चेहरा व गर्दन दोनों ही लंबी और पतली होंगी। बाल थोड़े रफ होंगे और डार्क रेती कलर जैसे होंगे, और घुंघराले भी होंगे। आपने देखा होगा रैम के जो बाल हैं वो घुंघराले होते हैं। आंखें भूरी होंगी और दांत वेल सेट होंगे। अब दोस्तों, मैं एक चीज़ पे आपका ध्यान और डालना चाहूँगी कि अब आप बोल रहे हैं, मैंने जैसे बताया, फिर आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसे कई लोग हैं जो एरीज में हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है या कलर डल है। तो दोस्तों, ये सिर्फ डिपेंड इस पर नहीं करता कि उसकी राशि कौन सी है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि जो पर्सन जो है वो कहाँ पैदा हुआ है। क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ लोग काले ही होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फेयर कलर नहीं होता है। तो इसलिए किसी भी राशि का जो रिज़ल्ट है, मीन्स हाइट और कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड, वो सिर्फ और सिर्फ राशि पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी कंट्री और फैमिली पे भी डिपेंड करेगा, वहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि वहाँ पे लोगों का कलर डल ही होता है, लेकिन फिर भी एरीज वाले वहाँ पर बाकी लोगों से गोरे ज़रूर होंगे। ऐसे ही हम इंडिया और USA कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ के लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फेयर होते हैं अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे, और हम कंपेयर करें इंडियंस को, तो वो कंपेरिजन बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि कंट्री में एटमॉस्फेयर कैसा है उस हिसाब से उसका कलर भी डिसाइड होगा और फैमिली से भी होगा। अब आप कहें चाइनीज़ जो लोग होते हैं या वहाँ पे
तो किसी की हाइट ज़्यादा होती ही नहीं है, वो तो सभी छोटे छोटे होते हैं वहाँ पे भी। लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे सभी की हाइट कम होती है, वहाँ 5-3 से ज़्यादा बहुत ही रेयर लोग पाए जाते हैं। तो जिनके आगे, जिन राशियों के आगे सिंबल अगर इंसान का भी है, तो भी अगर वो चाइना से बिलोंग करता है तो उसकी हाइट 5-3 ही ज़्यादा मानी जाएगी, लेकिन अगर इंडिया से बिलोंग करता है तो उसी की हाइट मानी जाएगी ज़्यादा, 5'8", 5'10". इसी प्रकार कंट्री से रिलेटेड होता है और फैमिली से भी। अब आप कहें कि फैमिली में किसी की हाइट 5-3 से ज़्यादा है नहीं और इंसान का सिंबल बना है तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर फैमिली की हाइट ही मैक्सिमम 5-3 है तो जो वहाँ पे पैदा होने वाला बच्चा भी होगा तो उसकी हाइट 5'4", 5'5" हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और ऐसे ही छोटे हाइट वालों का है, जिनकी फैमिली में सभी लोग बहुत लंबे लंबे हैं, उनके राशि के आगे जानवर का साइन बना हुआ है तो बहुत छोटे नहीं होंगे, लेकिन हाँ अपने घर में सबसे छोटे ज़रूर होंगे हाइट के मामले में। चलिए अब जानते हैं हम इसकी खूबियों के बारे में। तो ये लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। अब फायर साइन है, जैसे फायर कैसे होती है, जो भड़क उठती है, तो उसी प्रकार ये लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले सोचते नहीं है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। ये लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, वीर होते हैं और स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, इम्पल्सिव भी होते हैं और सरल भी होते हैं। अब इनके जानते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। अब इनका ग्रह कौन सा है, वो मैंने बताया था मंगल, मार्स। तो उसके स्वामित्व के कारण, मंगल कैसा ग्रह है, वो एक गर्म ग्रह है, तो जो गर्म ग्रह होते हैं तो इनका दिमाग भी गर्म रहेगा, मतलब थोड़ा गुस्से वाले होंगे, लेकिन सिंपल होंगे, फ्रैंक और आउटस्पोकन नेचर के होंगे, मतलब अपने मन की बात आसानी से बोल देने वाले होंगे और खर्चीले थोड़े ज़्यादा होंगे, जिस चीज़ से इन्हें बचना चाहिए। कभी कभी जेलस और कट्टर भी हो सकते हैं। इनमें चूँकि फायर है साइन, तो एनर्जी जो है भरपूर होगी और किसी भी काम को शुरू करने में हिचकिचाएंगे नहीं और कोई भी काम जल्दबाजी में शुरू करेंगे। लेकिन उसका एक नुकसान भी है, अब आप कोई भी काम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में शुरू करेंगे तो उसका क्या होगा, कभी कभी तो काम सही होगा और कभी कभी काम बिगड़ जाएगा। अब चूँकि इनके पास मूवेबल साइन भी है, तो एक काम में ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, मतलब जो मूवेबल साइन की वजह से जो क्या होता है कि एक काम को लास्ट तक पहुंचा पाए, इसी कोई गारंटी नहीं होती है। और इनकी उसी की वजह से इनकी लाइफ में ट्रैवलिंग भी काफ़ी रहेगी। अब मूव करने वाले हैं तो उनको ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद होती है और लाइफ में स्ट्रगल भी होती है। अब ऑब्वियसली आप पूरा काम नहीं करेंगे तो स्ट्रगल तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। और तीसरी चीज़, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उनके ज़्यादा रिश्तेदार नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग वो टिक ही नहीं पाएंगे ना, गुस्से की वजह से सबसे दुश्मनी मोल ले लेंगे। और इनका निवास स्थान जो घर है वो भी ये बदलते रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये शादी में भी जल्दबाजी करेंगे, शादी के मामले में भी ये लोग जल्दी डिसीजन लेंगे और जल्दबाजी में शादी करेंगे, बच्चे भी कम ही होंगे। और इनको कभी कभी कानूनी पचड़ों में पड़ना पड़ सकता है, क्योंकि गुस्से की वजह से किसी से झगड़ा हो जाएगा तो कानूनी दाव पेंच तो खेल नहीं पड़ सकते हैं, दुश्मनी कमी तो होगी ही नहीं, पर ये उनका सामना भी कर लेंगे। अब इन्हें उस जगह काम करना चाहिए जहाँ पे क्विक एक्शन या डिसीजन लेने की ज़रूरत हो, क्योंकि इन लोग बिना सोचे समझे जल्दी डिसीजन लेते हैं ना, तो ऐसी ही जगह इनको वर्क भी करना चाहिए। अब चूँकि इन्हें बदलाव पसंद है, जल्दबाजी की वजह से ये लोग कोई भी काम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, तो इसलिए इनको एग्जीक्यूटिव पोजीशन के तो अच्छे हैं, पर ये मैनेजर अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है, जो कि इनके पास कम होता है, तो एग्जीक्यूटिव के पोजीशन पर तो अच्छे होते हैं लेकिन मैनेजर पोजीशन पर अच्छे नहीं होते। अब देखते हैं इनका स्वास्थ्य, हेल्थ कैसी रहती है। वैसे तो उन लोग की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है मेष राशि वालों की,
और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। लेकिन प्रथम ग्रह, यानी प्रथम ग्रह मतलब क्या होता है, सिर, पहला जो अपना शरीर का जो अंश है वो क्या है, सर है। तो मेष जो राशि वाले हैं वो सर को दर्शाता है। तो इसलिए अगर इन्हें कभी कभार चोट लगे या कभी कोई बड़ी चोट इनके लग सकती है तो वो सर पर ही लगेगी, मीन्स कभी फिसलने से, गिरने से या एक्सीडेंट होने से। तो इन्हें चाहिए कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएं और संभल कर चलाएं। और इन्हें बीमारी भी अगर कभी कोई होती है तो वो भी सर से रिलेटेड ही होती है, जैसे कि हेडेक, ब्रेन एफ्लिक्शन, और साथ साथ में मार्स मीन्स मंगल की वजह से ऐसी बीमारी हो सकती है जो गर्मी से जुड़ी होती है, जैसे कि फीवर, पिंपल्स, पैरालिसिस, लकवा लगना, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक होना, ये सब इनको हो सकता है। जो एरीज है वो स्कल बोन्स को डिनोट करता है लेकिन नोज़ को नहीं। तो इसके लिए इन्हें कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए कि इन्हें रेस्ट लेना चाहिए और स्लीप भी लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में काम करते हैं और पूरे जोश के साथ कर देते हैं शुरू, तो कभी कभी ये लोग रेस्टलेस हो जाते हैं, काम में लगे रहते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और स्लीप भी लेनी चाहिए, और साथ में अपनी गर्मी कम करने के लिए हरी सब्जियाँ और ताजे फल खाने चाहिए, और ओवर एक्साइटमेंट से और चिंता से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए, उतना ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, और गुस्से को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और साथ में तली भुनी चीज़ें या नॉन वेज फूड से थोड़ा दूर रहें तो ही अच्छा है। अब बात करते हैं फाइनेंस, पैसे की, धन पैसा इनके पास कैसा रहेगा। तो मेष राशि के पास कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा, क्योंकि ये जोड़ ही नहीं पाते ना, क्योंकि ये खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मैंने बताया था ये खर्चीले बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ ही बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं भी पैसा लगाने के पहले ये सोचते नहीं कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसमें पैसा बचेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा या डूबेगा, ये बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जोश जोश की वजह से। तो इस चीज़ में इनको थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए, और साथ में खर्चा भी थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी कुंडली में कोई बुरा ग्रह आ जाए तो ये पैसों के मामले में शुरू होते ही ख़त्म हो जाएंगे, धन के मामले में। इसलिए इन्हें अपना बजट बनाकर चलना चाहिए और थोड़ा सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। अब हम लव के बारे में जानते हैं, एंड मैरिज कैसी रहेगी इनकी। तो वैसे तो ये काफ़ी फ्रैंक होते हैं और उसमें उत्साही भी रहते हैं, और इनका व्यवहार नेचर काफ़ी अच्छा होता है, तो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, पर डोमिनेंट भी होते हैं, लेकिन इमोशनल भी होते हैं साथ साथ में। तो इनको अपना जो पार्टनर है वो सुंदर, चालाक व अच्छा पार्टनर पसंद करते हैं, मीन्स ऐसा पार्टनर जो इनकी तरह ही तेज हो, कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचे ना, जैसे इनका फायर साइन है मैंने बताया था, तो इस वजह से ये लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले हिचकिचाते नहीं है, तो वो वैसा ही चाहते हैं पार्टनर कि वो भी वैसा ही हो, स्लो ना हो, और साथ में उसे भी घूमना फिरना पसंद हो, क्योंकि मूवेबल साइन की वजह से इनको घूमना फिरना काफ़ी पसंद है। तो ऑब्वियसली अगर इनका किसी का साइन फिक्स्ड होगा तो उसके साथ इनकी नहीं बनेगी, क्योंकि जिसको घर पर रहना पसंद है एक को घूमना पसंद है तो फिर कैसे बन सकती है। तो इनके लिए जो आइडियल मैच हो वो भी वैसे ही होना चाहिए, जिसका साइन या तो फायर हो या तो एयर हो। उसका रीज़न ये है कि किसी भी जातक के लिए या किसी भी इंसान के लिए वो पार्टनर ही होना चाहिए जो उसकी खूबियों को बढ़ाए, ना कि उसको दबाए। तो फायर के लिए या तो फायर से मैच अच्छा होगा या तो एयर से, क्योंकि फायर ही है, फायर फायर को बढ़ाएगी, या तो एयर हवा जो होती है वो आग को बढ़ाएगी, पानी तो बुझा देगी, और अर्थ मीन्स मिट्टी वो भी बुझा देगी फायर को, तो वो दोनों तो मैच उनके लिए अच्छे नहीं है। और साथ में उनका साइन भी मूवेबल हो साथ में, या तो डुअल हो,
तो वही इनके साथ मैच कर सकते हैं। तो इस साइन वाले लोग होते हैं लियो और सैगिटेरियस, ये दोनों फायर साइन के हैं, और लिब्रा जो कि एयर साइन के हैं। तो ये इनका मैच बहुत अच्छे से बनेगा। और तीसरी चीज़, इनको घर ना साफ़ सुथरा पसंद होता है, घर को काफ़ी अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, और इनके अच्छे दोस्त भी होते हैं, और कई दोस्त इनकी वीकनेस भी होते हैं। घर परिवार को बहुत चाहते हैं और सुखी भी रखना चाहते हैं, लेकिन अपनी गुस्से की वजह से कभी कभी काम बिगाड़ लेते हैं, तो उस पर इन्हें थोड़ा काबू पाना चाहिए। इनका प्रोफेशन, इनके लिए व्यवसाय या प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, तो मार्स की वजह से उन्हें उसी से रिलेटेड जॉब या बिजनेस करना चाहिए। जो प्लैनेट्स आपके, जो व्यवसाय करने वाले प्लैनेट्स होते हैं, अगर इनकी कुंडली में सेकंड, सिक्स या टेंथ हाउस में है, तो जो इनका मार्स है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो सक्सेसफुल भी होंगे, जैसे कि आर्मी या डिफेंस। मार्स भी है और साथ साथ में ये दोनों ऐसे प्रोफेशन है जिसमें क्विक एक्शन की ज़रूरत होती है, तो वो तो इनमें होते ही, और साथ में ब्रेव भी होते हैं ये लोग, बहादुर भी होते हैं, तो उसके लिए इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं। सर्जन, पुलिस, केमिस्ट, लॉ, आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री, इंडस्ट्री जैसी जगह पर इन्हें काम करना चाहिए, तो वहाँ पर ये काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। अब इनके लिए शुभ दिन है वो है मंगल। अब मार्स है तो मंगल तो होगा ही, साथ में शुक्र व शनि, वो लकी डे है इनके लिए। और सोम मीन्स मंडे और रविवार मीन्स संडे, ये दोनों ठीक हैं, बाकी के दिन खर्चा कराने वाले हैं, तो मंगलवार को मीन्स ट्यूसडे को व्रत रखें तो अच्छा होगा। अब लकी नंबर्स इनके लिए हैं 9 and 1, 4 and 8 अच्छे हैं, 2, 3, 5 भी ठीक हैं, लेकिन 6 व 7, 6 and 7 वो अनलकी हैं। कलर्स का देखा जाए तो रेड, येलो, कॉपर और गोल्डन, ये अच्छे कलर्स हैं इनके लिए, लकी कलर्स हैं, लेकिन ब्लैक इनके लिए अशुभ है, अनलकी है, तो उससे बचें। चलिए अब अगली राशि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।